जब 12th में था ना, तो मुझे ऐसा लगता था मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि मैं सब बच्चों के ऊपर सुतर के चला जाऊंगा, सारी कंपनी बोलोगे हमारा एक बार जॉब कर लो। प्लीज 5 मिनट के लिए कर लो, हमारी प्रोफाइल इंप्रूव कर दो प्लीज। मैंने सारे एग्जाम दिए जितने होते थे, MBBS का फॉर्म भर दिया, भाई थी भी नहीं मेरे पास। देख लेते क्या पता हो जाए इसमें। IIT AIEEE सारे एग्जाम दिए मैंने, AIEEE मेरी रैंक आई 3 लाख कुछ। पता नहीं इतने बच्चे थे भी कि नहीं थे, या मैंने इंटरनेट कैफे पर रिजल्ट देखा और मैं घर तक अपनी रैंक ही भूल गया। मेरी इतनी बड़ी रैंक आई, घर आके पापा ने रैंक पूछी, मेरी जेब में 100 का नोट था, मैंने नंबर पढ़ दिया उसका। यार मेरी रैंक में कॉमा लगे हुए थे यार, ये कोई बात है करने की? इंटरनेट कैफे वाले ने पैसे नहीं लिए मुझसे। मैंने कहा भैया कितना वगैरह? बहुत ज्यादा। सुबह से जितने बच्चे आए आपके मिला के आइए, पता आपको? फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, मुझे कोर्स मिल गया केमिस्ट्री ऑनर्स, वो लगी जहर है। हाँ उस टाइम में ठीक से फेंक नहीं मारा पाता था, तो मैं सॉल्यूशन तो क्या ही मिला लेता आपस में। मैं जो भी चीज मिलाता था उसमें से धुआं निकल जाता था। मैंने सूंग के देखा, नशे में नहीं हो रहे, मैंने घटा। ये नहीं चाहिए लाइफ में। लॉ स्कूल पढ़िया था 5 साल का, इतना बढ़िया हॉलीडे पैकेज था। हम हॉस्टल पहुंचे थे ना, कितने लोग हॉस्टल में रहे कभी? बॉयज हॉस्टल में कितने लोग रहे? ठीक है, जो लोग नहीं रहे हैं तुम्हें रहना चाहिए एक बार, तुम्हें जीवन का वो सार पता चलेगा कि तुम्हें क्या क्या लाइफ में नहीं करना होता है। बॉयज हॉस्टल में रहते हैं जानवर जो बोल सकते हैं। हॉस्टल गए, हॉस्टल में रहना शुरू किया। हमारे हॉस्टल में एक बात फैली हुई थी कि इस हॉस्टल में एक अंकल जॉन नाम का भूत रहता जो प्यासा है, किस चीज का ये नहीं बता। हम सेकंड ईयर जो है वो हमारी रैंकिंग लेता था, उनका एक ग्रुप था त्यागियों का, मतलब एक लड़का था त्यागी जिसका वो ग्रुप था। यार एक तो सीनियर हमारी रैंकिंग ले रहे थे, रैंकिंग नहीं ले पा रहे थे। हाँ मेरे रूम में आके त्यागी आया, ओल्ड मॉम का अद्धा रखा, कहता इसको एक बार में खत्म करना। ये रैगिंग है, इसको पार्टी नहीं कहते? मैं कहा तुम रोज आया करो मुझे रैगिंग लेने। फिर हमारे थोड़े दिन में ऐसा होता रहा कि क्लैश हो रहा है आपस में, तो हमें लगा कि यार हमें भी अपना हॉस्टल में नाम करना है। अब्दुल आया, अब्दुल याद है ना मीटिंग? उसके अलग ही फैन चल रहे हैं। वो आया एक दिन मेरे रूम में आके मुझसे बोला कि बस सुन हमें ना हॉस्टल में नाम करना अपना। मैंने कहा ठीक है करते हैं, थोड़ी देर रुकते कुछ प्लान है? कह रहा कोई प्लान नहीं अभी करना, चलो ठीक चलो। रात को 1:30 बजे हम निकले नाम करने, पूरे हॉस्टल का एक चक्कर लगा, समझ नहीं आया वापस आ गया। हमने क्या करे, दीवारों पर नाम लिखते, करना क्या है? फिर हमें लगा कि यार पानी पी लेते हम वाटर कूलर का। मैंने कहा अगर हमें अभी ऊपर वाले फ्लोर पर जाएं और जाके उनके वाटर कूलर से पानी पी लें तो कितना नाम हो जाएगा। कि दो लड़कों की हिम्मत देखो, रात को ऊपर आए और सारा पानी पी गए। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम, हमें तो हाथ मिलाए गले मिलाए दूसरे से। क्या बढ़िया आइडिया आया भाई। हम ऊपर गए जाके वाटर कूलर के सामने खड़े, वाटर कूलर के पीछे से आवाज आई, इसमें कभी पानी नहीं आता। हमने साइड से देखा तो त्यागी निकल रहा नीचे से। हमने के उसने देखा, हमने से देखा बहुत शराब पी रखी है उसने, इतनी आंख खुल गई उसकी। कह रहा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा हम कहाँ हैं यहाँ। तो वो 15 सेकंड तक कुछ नहीं बोला। हम दोनों यहाँ से चले गए।
थोड़ी देर हमने वेट किया, ये चला गया, हम वापस आए, हमने वाटर कूलर चला के देखा, उसमें पानी नहीं आ रहा। हमने कहा क्या कैसे नाम कैसे करें हम। फिर हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हमें लगा कि अगर हम ये वाटर कूलर उठा के अपने रूम में ले चले तो बहुत नाम हो जाएगा। तो हम दोनों ने वाटर कूलर उठाया, तब ऊंचा था बहुत भारी, अब्दुल के तो प्राणी निकल के उठाने। मैंने तो एक हाथ से उठा लिया, आई एम स्ट्रॉन्ग। बहुत भारी था, मुझसे भी हम उठा के थोड़ी दूर चले तो हमने देखा उसका तार लगा हुआ है वहां पे बिजली का। हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला, ये बिजली से चलता है। हम वापस रखा, हमने उसका तार निकाला, उसको उठा के थोड़ी दूर चले, थोड़ी दूर जाके हम थक गए। हमने अब क्या करें इसका, अब तो नहीं मन कर रहा, पर अब किसी को बताएंगे कैसे कि हाँ कैसा है। हमने लेकिन हमने थोड़ी सी और मेहनत करते हैं, थोड़ी दूर और लेके चल रहे, नीचे तक लाने की हिम्मत थी, थोड़ी देर बाद हम थक गए। हमने कहा सुनो वैसा है, साइड में दिख रही है रेलिंग, हमने नीचे देखा, हमने कहा अगर हम इसे डायरेक्ट भेज दें तो अब तो बहुत ही नाम हो जाएगा, सीधा सेकंड ईयर में आ जाएंगे हम सुबह। हमने वो रेलिंग पे रखा, पलट दिया, उसका जो तार था वो रेलिंग में लच गया, अब वाटर कूलर झूल रहा है वहां पर। तुमने कि कैसा फुद्दू नाम हुआ हमारा, हम कोई चीज फेंक भी नहीं पाए। मैंने अब तुझसे क्या करना है, कह रहा भाई इसको खींच लेते हैं, उठा तो तू पाया नहीं था। उसका जो थ्री पिन प्लग है उसकी रेलिंग में अटका हुआ है। भाई अब तो निकलेगा तो है नहीं, कुछ करना पड़ेगा, इसको काट देते हैं। कहता रुक मैं मैसेज चाकू लेके आता हूँ। अगर लिया मैं इसमें से इतना बड़ा चाकू लेकर, मैं कह सब छोड़ पहले मैस वाले के पास चल, मुझे उससे पूछना इससे काटता क्या है वो, ये चिकन के नाम पे ऊंट खिला रहा क्या मैं। उसने रखा उसका प्लग काट रहे हम दोनों, वो कटा, जैसे वो प्लग कटा वाटर कूलर नीचे, ग्रेविटी ने अपना काम दिखाया, प्लग वहीं पड़ा। हमने जब तक वो देखा तब तक तो पहुंच चुका था नीचे। तो मैंने एक साल केमिस्ट्री पढ़ी थी जब मैं डीयू में था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था फ्रिज में कोई गैस होती है। इतनी तेज ब्लास्ट हुआ पूरा हॉस्टल जाग गया हमारा, सामने वाली बिल्डिंग से वार्डन उठ गया। हमने कहा बहन इतना नाम भी नहीं करना था हमें। सारे लड़के वहां चिल्लाना शुरू कर दिया, उसकी ब्लास्ट सुनते ही कॉरिडोर से आवाज आ रही है, एटम बॉम्ब एटम बॉम्ब। एक से आवाज आ रही है, बचाओ बचाओ। वहां वार्डन आ गया, सब लोग इकट्ठे हो गए, हम ऊपर से बैठ के देख रहे हैं रेलिंग, रेलिंग में से ग्रिल जगह होती है उसमें से देख के। वार्डन हमारा पता कैसा था, तुम रात को 2 बजे बुला लो, मतलब बुला लो क्या, खुद ही आ जाता था वो। हम तो कभी नहीं बुलाते, तुम्हारे 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो, वो एकदम तैयार हो गया था, व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट व्हाइट जूते। उसे देख के हमने कई बार पूछा तू ही तो नहीं अंकल जान, रात को तैयार कैसे, तैयार होकर सोता क्या तू, बेड पे पता कैसे चलता कि बेडशीट है तू है। कोई बात नहीं। वार्डन कह रहा है इसका रूम चेक करना जरा, क्या कर रहा है ये, ठीक नहीं लग रहा मुझे लड़का। लड़के कुछ भी बकचोदी कर रहे हैं यार, एक कह रहा है सर मैंने देखा खुद गिरा। कह रहा सर ये रेलिंग तक आया, फिर इसने देखा नीचे कोई है तो नहीं, फिर ये कूद गया सर। परेशान होगा सर आप जाओ सो जाओ। वार्डन खड़ा होकर बातें सुने जा रहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक ने तो बता दिया कि अंकल जॉन ने कहा सर वो प्यासा था। एक तो हमारे बैच में तिवारी था, वो बना शेरलॉक होम्स, हाँ उसने एक तो फील में इतनी रहती थी ना लड़के, वहां वकील बने नहीं अभी, फर्स्ट सेमिस्टर चल रहा है। वार्डन से कह रहा माय लॉर्ड
आधा माल तो वही खराब हो गया। चलो माय लॉर्ड ये देख रहा हूँ वाटर कूलर का तार उठा के। तो मुझे लगता है हॉस्टल में किसी को 3-pin plug की जरूरत थी। तो उसने प्लग तो रख लिया, बचा कुछ फेंक दिया। आई रेस्ट माई केस माई लॉर्ड। वॉर्डन कह रहा हाँ वकील साहब बिल्कुल, वाटर कूलर में बचा कुछ वाटर कूलर ही तो है। सही कह रहे हैं आप। नीचे ये बात चल रही, मैंने अब्दुल को देखा तो पैर से उस प्लग को लेके जा रहा। मैंने कहा तू क्या कर रहा है? कह रहा सबूत मिटा रहा हूं भाई। मैं क्या करेगा इसका? उसने प्लग उठाया, उसको वापस लगा के आ गया। चाकू हाथ में इसके, ये सबूत मिटाया इसने। मैंने कहा नीचे चल, फटाफट वहां पहुंचते, हम नहीं मिले तो प्रॉब्लम हो गया। नीचे उतरे, वहां पहुंचे तो इतना इतनी ओवर एक्टिंग करता है ये। रास्ते रास्ते में पता नहीं क्या हो गया इसको। हम वाटर कूलर के पास पहुंचे, वाटर के बाद जैसे उसने देखा ना वाटर कूलर में, करा हाँ, मेरी हंसी छूट गई। मैंने तो दिमाग करा अभी अभी तो करा है। मैंने कहा बोलियो मत, कुछ चुप हो गया। वार्डन ऊपर पहुंचा साइट पर, साइट पर जा रहा था। उसने वहां जाके देखा, अब उस पूरे एरिया में सिर्फ प्लग लगा हुआ। वार्डन ने पहले तो तिवारी को बुला कर इधर आ, कहता केस रीओपन कर दे तुम्हारा। अगले दिन सुबह वार्डन ने सो गए, हम जाके उसने कमेटी बनाई अपनी, वो करी पूरी रिसर्च करी। पता नहीं किस हराम को हमारा नाम बता दिया कि हमें ऊपर जाते देखा था। वार्डन ने हमें बुलाया अपने रूम में, मैंने अब तुमसे बोला था कि सुन मान मत जाइयो और कुछ बकचोदी मत करियो, बिल्कुल ऐसे शरीफ बन के बैठना है कि हमसे अच्छा बच्चा ही नहीं इस कॉलेज में। हम रूम में घुसे, आंसू गिरने लगे इसके। मैंने कहा अरे बात भी नहीं हुई अभी तो कुछ, भाई साहब ऐसे भी नहीं आ रहे, यहां से यहां गिर जा रहे इसके आंसू। उसके सामने बैठे हम, वार्डन बोला कौन से कि हाँ भाई तुम लोगों ने फेंका था वाटर कूलर। मैंने कहा नहीं सर। कहता पक्की बात? मैं पक्की बात। कहता क्यों फेंका था? मैंने कहा आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? ऐसा तो नहीं सर, हम सुन रहे हैं। अभी अभी तो बोला, अभी तो बात खत्म हुई थी। कह रहा नहीं मुझे आप पे शक है। मैं कहा शक था फाका, पहले मुझे ये बताओ कि तुम सुन पा रहे हो तो तुम बोल रहे हो। हमने कुछ नहीं फेंका, मैंने तो पानी छोड़ रखा है। मैं तो नीट पीता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर तक बकचोदी करते मुझसे, कहता तुम ही ने फेंका मुझे पता है। मैं कहता सर हम तो नहीं मान रहे, देखो बाकी आपकी मर्जी है। कहता तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन सीनियर्स रैगिंग नहीं ले पा रहे हैं, वार्डन पनिशमेंट नहीं दे पा रहा, कैसे चल रहा है कॉलेज। नहीं क्या ऑप्शन है? हमने पैरों पैर रख लिया, मेरे को ऑप्शन बताओ क्या। कहता या तो सस्पेंड हो जाओ या फिर फाइन भर दो। हमने कहा अच्छा सस्पेंड क्यों होना है, नाम क्या है, यहीं रहेंगे। मैंने अब्दुल से कहा फाइन? कहता फाइन। हमने कहा फाइन, वार्डन ने लगा दिया हम पे फाइन। हमें लगा था 6,000 रुपये मांगेगा, मुंह पे फेंक के मार देंगे। उसने प्रिंट आउट निकाले हमारे सामने रख के दो पेपर, उसने हम पे फाइन लगाया 1,35,000 रुपये का। मैंने वो देखा, मैं ये तो कुछ रैंक जैसा लग रहा है मेरे। मैं कहा सर इतने पैसे क्यों मांग रहे हो, पूरी बिल्डिंग हमसे ले लोगे क्या आप? हमने एक फेंका है, वो भी आप कह रहे हो, हमने तो माना भी नहीं अभी तक, इतने पैसे थोड़ी मांगता है कोई। उसने हमें दिखाया वाटर कूलर 1,35,000 रुपये का आता है। मैं कहा सर देखो ऐसा आप लोग गलती है, अगर ऐसा है तो पहले तो ये चीज आप कॉलेज के ब्रोशर में डालो, सबको पता चलना चाहिए कि इतना महंगाई है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे इस पे से प्राइस टैग तोड़ने की? मुझे पता होता है इतना महंगा आता है, मैं रोज सुबह उठ के स्वस्तिक बनाता इस पे। अरे 25,000 रुपये मुझे तो, मैं घड़ा बन के बैठ जाऊं वहां पे।
मैं ऐसे करके आइसक्रीम निकाल दूं यहाँ से पहले। ये कोई बात है करने की? लेकिन सर इतने पैसे नहीं हमारे पास। कहता मैं तुम्हारे घर पे फोन करूंगा, मैं घर पे भी नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा पापा रही से मैं नहीं हूँ? मैंने अब्दुल से पूछा, मैंने कितने पैसे तेरे पे करा भाई? होंगे 400-500 रुपए। मैं कहा तू FD करा ले जाके भाग ले। 400 रुपए फाइन बोला था तू। उसने कहा तुम्हारे पास परसों तक कटाई, मैं जो करना करो निकलो यहाँ से। मैंने कहा ठीक है। हम गए हॉस्टल में जाकर अपने लड़कों को बताया कि हमें फंसा दिया गया है और अब पैसों का जुगाड़ करना है। पूरे रात हमने प्लानिंग करी कि कैसे कैसे पैसा आएगा, अलग अलग जुगाड़ करे हमने। 25-30 रुपए इकट्ठे कर पाऊंगा मुझे। उसकी भी चाय पी के, क्योंकि चाय पे तो डिस्कस कर रहे थे। सुबह उठे हॉस्टल में, गार्ड आया, हमें बुलाया, हम वार्डन के रूम में गए। वार्डन ने हमसे कहा कि जिसने भी फेंका था उसका पता चल चुका है। मैं कहा अंकल जॉन पकड़ा गया क्या? कहता नहीं आप लोग नहीं, आप जाओ यहाँ से। ठीक है। थोड़ी देर बाद हॉस्टल में एक सस्पेंशन लेटर आया और एक लौंडा सस्पेंड हो गया। क्या लेना, एक न देने दो, त्यागी सस्पेंड। त्यागी के हाथ में लेटर आया, मैं कल हॉस्टल में था। वो सस्पेंस इतना बड़ा हो गया, अंकल जॉन से बड़ा सस्पेंड हो गया कि ये कैसे सस्पेंड हो गया। जाके गया वार्डन के रूम में, ऐसे गेट खोल गया, ऐसे अंदर घुसा, बाहर आया, ऐसे बाहर आया। हमने क्या हुआ? कह रहा यार मैं चूते हूँ। वो तो है, हुआ क्या है? कहता यार मैं परसों नशे में गार्ड को बोल के आया था कि ठीक करा दो नहीं तो फेंक दूंगा। My name is Anubhav Singh Bassi and I'm from a very civilized city. Meerut. Noida. हमारे आओ कभी, वहाँ आदमी ज़्यादा खबर आती है फिर प्रॉब्लम हो जाती है। And I belong to very civilized community also. जाट हूँ मैं। Thank you. And I am a lawyer by profession. वो कहते हैं कुछ नहीं करते, LLB करते हैं। आ, वो नहीं हूँ मैं। मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया। क्योंकि कोटा होता है OBC नाम का, मेरे पास कोटा था। नहीं, कोटे के साथ प्रॉब्लम पता क्या है? कोटा एडमिशन लेने के बाद नहीं चलता। जब मेरा एडमिशन 20 नंबर कम पे हुआ है तो अंदर जाके पासिंग मार्क्स सबके सेम क्यों है? अंदर जाके पास ही नहीं हो जा रहा। पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया, मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया। वो बहुत सही चीज है। मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिवजी के सपने में आ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कर थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दो बस। फिर एग्जाम्स आए। हाँ मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। OBC से OCB में दुनिया देख ली थी मैंने। एग्जाम साहब ने पहली बार एग्जाम दिए, हम सारे फेल हो गए, बस OBC वाले, बाकी सब पास हो गए। हमें लगा डिस्क्रिमिनेशन है। उन्होंने कहा नहीं तुम चूती हो। हमने कहा क्या करना है, करे जाके पढ़ाई करो। हमने बस ये जैसे पता ही नहीं था हमें। हमें ठीक है हम कर लेंगे कुछ। हम हॉस्टल पहुंचे, हमने जाके कमेटी बनाई, सारे OBC इकट्ठे किए। हमारे ग्रुप में आधे नोएडा के गुज्जर, आधे मेरठ मुजफ्फरनगर के जाट और 2-3 इस देश के कोनों से आए हुए लोग। सबने कमेटी बनाई कि अब से हम करेंगे चीटिंग। हाँ लेकिन हम करेंगे सामूहिक चीटिंग। सामूहिक चीटिंग पता क्या होता है? मैं बताता हूँ। चीटिंग का सोर्स एक होगा, पास सारे हो जाएंगे। हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन पेपर देखा अपना, मैंने कहा इसमें ना ट्रू फॉल्स आते हैं 20 नंबर के। मैंने कहा ये टीपने बस पास हो जाएंगे। हमने प्लान बनाया, एक लड़के को टास्क दिया, हमने कहा काम करियो आगे वाली कॉपी में से ट्रू फॉल्स देख लियो और बाथरूम के गेट के पीछे लिखाइयो। हम सारे एक एक करके जाएंगे, ट्रू फॉल्स देख के आ जाएंगे। सिंपल। पहले दिन ट्रू फॉल्स लिख के आया कि खुद ही मायूस खड़ा हुआ है। हमने क्या हुआ, कह रहा वहां ना 1500 ट्रू फॉल्स लिखे हैं।
मैंने कहा वैन से पहले सो रहा है, हमारा यूनिक नहीं था। मैंने कहा एक काम कर, हमारे वाले ट्रू फॉल्स पे एक बॉक्स बना क्या। हाँ एक बॉक्स बना क्या, हमें पता चल जाएगा हमारा है। लिख के आया, आधे लौंडे अब भी फेल हो गए, क्योंकि जो लिख के आया ना इसकी हाइट है 6 फुट 4 इंच। ये महाशय यहां लिख के आ गए ट्रू फॉल्स, छोटे छोटे जा रहे, नीचे के 4 देख पा रहे बस, ऊपर के 6 में तुक्के मार रहे हैं। एक तो कमोड पर चढ़ के देख रहा था, उसमें गिर गया। इन्होंने आकर रिवॉल्व कर दिया, हम नहीं खेलेंगे वाला गेम, चेंज करो तुम ये। जब तक हमको चेंज करते, नेक्स्ट डे हमारे टीचर को पता चल गया, उसने एग्जाम में लिख दिया इफ ट्रू वाई, लॉन्डे उसमें भी लिख रहे बिकॉज इट नॉट फॉल्स। क्या क्या लॉन्ग आंसर से टफ बना दिया उसने। तो उसके बाद में ज्यादा क्रिएटिव बनने की जरूरत नहीं है, पहला वाला दो। हाँ हमें डिग्री चाहिए, वापस आओ। हमने वो पुराना वाला लिया। अब प्लान किया कि कोई दरवाजे पे लिखेगा यार, थोड़ा स्मार्ट। हमने डिसाइड किया कागज पे लिखेंगे, और एक कागज वॉशरूम में लड़का छिपा के आ जाएगा। फिर 1 घंटे बाद जब टीचर को नहीं पता चलेगा, तब एक लड़का जाएगा, कागज लेके आएगा, सबको पास कर देगा। सिंपल। अब जो कागज लेने गया था ना, उसे दुनिया की सेफेस्ट जगह मिली, पेन की कैप। उसने पेन की कैप में फर्रा देके पेन बंद कर दिया, पेन से फर्रा फंस गया। ये अपनी सीट पे बैठ के टक 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 कर रहा है, फर्रा ही बाहर नहीं आ रहा। हम इसे कह रहे फर्रा पास कर, तो पेन की कैप दे रहा। क्लास में पेन की कैप घूम रही है। थोड़ी देर में टीचर को कैप मिल गया, वो कैप का पेन ढूंढ रहा है। और जिसका पेन था ना, इसने पेन फेंक दिया। ये चूतिया बिना पेन के बैठा है खाली हाथ। टीचर आया, कह रहा तेरा ही पेन है, कह रहा मैं तो पेन लाया नहीं। ये नाम कैसे लिखा, कह रहा ये आगे वाले से मांगा था, आगे वाले ने पेन मुझसे मांगा। कह रहा तो आप ही का पेन है, पहचान नहीं पा रहे हो। टीचर कह रहा बेटा चीटिंग लगी तुझ पे, तू गया आज। कह रहा ऐसा नहीं लगती चीटिंग, इतना कानून मैं भी जानता हूं, कानून का ही पेपर है, जानता है तो लिख दे। कह रहा लिख तो दोबर पेन नहीं है ना। हर ये बच्चे नहीं चले क्लास के एक तरफ। इसका एक दोस्त बैठा वहां, उसे ये भी नहीं पता है वो कह रहा है। वहां से हाथ उठा, कह रहा सर मेरी कैप है। कह रहा यहां कैसे आ गई है। कह रहा मैंने फेंक दी थी। कह रहा हमने तो नहीं देखा। कह रहा तो पकड़े जाने के पर्पज से फेंकी भी नहीं थी। टीचर घूम के गया इसकी सीट पर जाके, इसका पेन उठाया, कैप उठाई। कह रहा बेटा ये तो इसकी कैप ही नहीं है, तो इसमें टाइट है। कह रहा तभी तो फर्रा फंस गया। टीचर ने कैप लिया, वो अपनी सीट पर जाके टक 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 कर रहा, फर्रा अभी भी नहीं निकला। टीचर ने कैप तोड़ी, फर्रा निकाला, उस पर लिखा 4 ट्रू हैं 6 फॉल्स। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, बस बता है कौन ये। कर लो चीटिंग। आज तो नहीं, मजा होता, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं था ना हमारे पास, प्लानिंग थी। एक लड़के ने हमारा समूह ही तोड़ दिया। हाँ इसे हम पे विश्वास नहीं था, तो इसने कहा मैं अपने आप कर लूंगा। हमने कहा ठीक, अब नेक्स्ट डे हमें सिर्फ इसे देखना है। आज नहीं होना पास, इसको देखेंगे आज क्या करेगा। इसे अपने शरीर की सबसे अच्छी जगह मिली, पैर के नीचे। ये पैर के नीचे नोट्स लिख के ले गया। जब तक हॉस्टल से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा ना, वो छप गया चप्पल पे उल्टा। अभी एग्जाम में बैठ के भी चप्पल घुमा रहा। टीचर आ गया, क्या ये, कह रहा डिजाइन है। कह रहा एक चप्पल पे, कह रहा हाँ सस्ती ली थी तुझसे मतलब। टीचर ने उठाया देखा, कह रहा इससे करके दिखा चीटिंग, कर कर। ये पहन के बाथरूम चला गया। टीचर पीछे पीछे तो शीशे का चप्पल ले खड़ा हुआ है। नेक्स्ट डे अपने आप आ गया, क्या वापस आ गया, अपने आप आ गया। कह रहा भाई वापस ले लो। आजा। लेकिन उन्होंने उसी टाइम हमारी क्लास में लगा अब्दुल। अब्दुल ओबीसी क्लास में लास्ट था। इसे कोई उम्मीद थी दुनिया से, ये जी चुका था जिंदगी। इसका
का हो गया था, ये आया कह रहा कि यार देखो ऐसा है, मैं तो ना पढ़ पाता हूँ ना चीटिंग कर पाता हूँ, तो मैं ना क्लास को डिस्टर्ब कर दूंगा। क्यों? कह रहा देखो जब मैं डिस्टर्ब करूंगा तो टीचर मेरे पास आ जाएगा, तुम सब पीछे से चीटिंग कर लेना। हम सब में एक सैक्रिफाइस भी कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। एग्जाम शुरू हुआ, पहली सीट पे बैठा, टीचर की तरफ देख के अपना हाथ देख के लिख रहा है। हाथ पे लिखा नहीं इसका कुछ, ये बस बकचोदी कर रहा है। जैसी टीचर ने इसकी तरफ देखा हाथ बंद कर लिया, टीचर इसकी तरफ आया हाथ पीछे कर लिया। और इस टाइम पर हमें चीटिंग करनी है, हम अब्दुल को देख रहे हैं। मजा इतना आ रहा था, हाथ ही नहीं खोल रहा। टीचर सर पे खड़ा, हाथ खोल कर नहीं खोलूंगा। करस पे भी लिखा कर पागल है क्या। टीचर ने जब तक उसकी वाली उंगली मोड़ के आने लगा दी, ये नहीं खोल रहा। कह रहा अच्छा एक सेकंड खोल रहा, खोल रहा खोल रहा। अल्लाह रहम रहीम। टीचर की तशरीफ फट गई। पागलों की तरह घूम रहा है, क्या हुआ अभी ये? हमसे आई कर इसके हाथ में कुछ लिखा था, मेरे को पता है नहीं। हमने तो ये भी सुना है इसे काला जादू आता है। टीचर ने उसे पास कर दिया, हमें फेल कर दिया बेंच। लेकिन हम इंप्रेस हो गए। हमने कहा इतना जीनियस लड़का हमारे बीच क्या कर रहा था। हमने कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया उसको। हाँ हॉस्टल तक लेके आया कमरा बिठा के बाहुबली बोल के। हॉस्टल चल। अगले दिन ये चढ़ भी गया प्रेसिडेंट बन के। कह रहा नेक्स्ट प्लान बहुत सही है। क्या? कह रहा ऐसा प्लान है पेपर कैंसिल हो जाए। मैंने कहा कर दे यार प्लीज। क्या प्लान है? कह रहा देखो 10 से 1 का पेपर है, 12:05 पे मैं खांसूंगा, तुम सब अपनी टेबल हिलाने लगना। ये ग्रेजुएशन में हो रहा है। हमने कहा उससे क्या होगा? कह रहा टीचर को लगा भूकंप है, वो कहेगा भाग, तो अपनी आंसर शीट लेकर भाग जाएंगे, पेपर कैंसिल। मैंने कहा मैं फकिंग जीनियस। अगले दिन एग्जाम में 12 बजे तक किसी ने कुछ नहीं लिखा है, कैंसिल होने वाला था। 12:05 पे खांसा, हम सब अपनी टेबल हिला रहे, टीचर ने बाहर जाने को बोला ही नहीं, और इसने हमें ये नहीं बताया रुकना कब है। अब अगर अलग अलग टाइम पर रुके तो भूकंप खराब हो जाएगा। ये सिग्नल देके खांस रहे हम और तेज ला रहे। टीचर ने आगे वाली रो को घूरा, ये रुक गए, पीछे वाले अभी भी ला रहे। टीचर घूरता चला गया, सब रुकते चले गए। तो लास्ट सीट पे बैठा था, खड़ा हुआ, कह रहा सर भूकंप आया था, वो ना ऐसा करके निकल गया। टीचर कह रहा इधर आइयो, चमन छूती है, अगली बार भूकंप आया ना तो सब बता दियो कि टीचर्स टेबल भी लानी होती है।